Once again a very good morning to everyone. Today we are going to start a new chapter, and that chapter is equivalent fractions. And today we are going to start a new topic, and that topic is comparison of fractions. Means आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा चैप्टर क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इन आवर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट फ्रैक्शंस, एंड नाउ वी स्टडी अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. एंड फर्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. मींस हमें जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, सिमिलरली हमें फ्रैक्शंस को भी कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए हम ये साइन यूज लेते हैं, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू. नाउ देयर आर सम रूल्स ऑफ कंपैरिजन. फर्स्ट रूल इज व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम. मींस अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. मीन्स अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में जो आपका ग्रेटर न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल, 3/5 and 2/5. मीन्स आपने ये दोनों फ्रैक्शंस कंपेयर करके बताना है रूल फर्स्ट से. रूल फर्स्ट में क्या है? अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स 5/5 बोथ आर सेम, तो जो आपके न्यूमरेटर है 3 and 2 में जो आपका ग्रेटर न्यूमरेटर है, मीन्स 3 इज ग्रेटर, तो आपका ये वाला नंबर है वो, ये जो फ्रैक्शन है वो आपका ग्रेटर होगा. मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5. नाउ वी टेक नेक्स्ट रूल, रूल नंबर सेकेंड, व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम. मीन्स अगर आपके न्यूमरेटर सेम हो तो द फ्रैक्शंस विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर. तो आपका जो डिनोमिनेटर होंगे, डिनोमिनेटर में जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा. मीन्स नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल, 3/7 and 3/5. 3/7 and 3/5 में 3 बोथ आर इक्वल, मीन्स आपके यहाँ पर न्यूमरेटर इक्वल है, तो डिनोमिनेटर में जो आपका स्मॉलर, डिनोमिनेटर में स्मॉलर कौन सा है? 5 स्मॉलर है. मीन्स आपका ये वाला जो फ्रैक्शन है 3/5 है वो आपका ग्रेटर है. मीन्स 3/5 इज स्मॉलर देन 3/5. मीन्स आपका 3/7 है वो छोटा है 3/5 से. नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर थर्ड, व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम इन बोथ द फ्रैक्शंस. मींस अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं आपके गिवन जो फ्रैक्शंस हैं उनमें, तो द फ्रैक्शंस आर इक्वल, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो आपके इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल, 2/3 and 2/3. मीन्स 2/3 and 2/3. यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर दोनों सेम हैं, और 3 जो न्यूमरेटर है, सॉरी 2 तो न्यूमरेटर है वो आपके सेम है, और 3 डिनोमिनेटर है वो भी आपके सेम है, तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3. नाउ वी टेक सम क्वेश्चन रिलेटेड टू कंपैरिजन. क्वेश्चन इज कंपेयर बाय यूजिंग ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल. मीन्स आपने ये 3 साइन का यूज करके फ्रैक्शन है वो कंपेयर करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 8/15 and 8/19. अब आपके रूल नंबर सेकंड में क्या था कि अगर आपका न्यूमरेटर है वो सेम है, मीन्स आपके यहाँ पर 8 है वो दोनों सेम है, तो आपका जो डिनोमिनेटर में आपका जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा. तो हमारा यहाँ पर स्मॉलर डिनोमिनेटर क्या है? 15 है, तो आपका जो ये वाला फ्रैक्शन है 8/15 है वो आपका ग्रेटर होगा. तो हम साइन कौन सा यूज लेंगे? ग्रेटर देन वाला. मीन्स 8/5 की साइड में ओपन माउथ वाला साइन यूज लेंगे. नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/9
एंड 4/9। अब 2/9 एंड 4/9 में जो आपके 9 डिनोमिनेटर है वो आपके सेम है, तो हमें क्या चेक करना है, न्यूमरेटर। अगर आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में जो आपका ग्रेटर न्यूमरेटर है वो आपका ग्रेटर नंबर होता है। तो आपका ये जो 4/9 है वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा साइन यूज लेंगे, ग्रेटर वाला। ग्रेटर वाला मीन्स आपके 4/9 में ओपन माउथ वाला साइन यूज लेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड दिस रूल्स, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।